हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिविराज। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमने टोटल 12 सेंटेंस कवर किए हुए हैं। ये सभी सेंटेंस क्लास 9th की बुक ए न्यू स्टाइल इंग्लिश ग्रामर से लिए गए हैं। ये सभी सेंटेंस पेज नंबर 223 पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा दिया था, उसमें आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला सेंटेंस यहां पर लिखा है, राधा इस विद्यालय में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। तो इसमें राधा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा, आर ए डी एच ए, राधा। इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब इसके बाद अटेंडिंग या रीडिंग, तो स्कूल में पढ़ रही है तो अटेंडिंग लिखेंगे, ई ए डबल टी ई एन डी आई एन जी, अटेंडिंग दिस स्कूल, टी एच आई एस दिस, इस स्कूल में है तो इस स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल, इतना स्कूल हो गया। अब दिखा है आगे 3 वर्ष से, तो ये निश्चित समय नहीं है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 ईयर, वाई ई ए आर एस। तो इस तरह से पहला सेंटेंस बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, लिखा है डॉक्टर साहब 3 दिन से इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब की सबसे पहले लिखी जाएगी द डॉक्टर, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर, हैज नॉट बीन, बी डबल ई एन बीन, और इसमें लिखेंगे गिव, गिव मीन्स देना होता है तो गिविंग लिखेंगे, जी आई बी आई एन जी, गिविंग, मेडिसिन, एम ई डी आई सी आई एन ई, मेडिसिन टू दिस पेशेंट, इस मरीज को है तो टू दिस पेशेंट, पी ए और टी आई ई एन टी, यहाँ पे आई बना है ई एन टी, पेशेंट, फॉर 3 डेज, 3 दिन से इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं तो फॉर 3 डेज हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस लिखा है, राम 1 महीने से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो राम है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम हैज नॉट बीन, रीड मीन्स पढ़ता है तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हिस्ट्री, एच आई एस टी ओ आर बाई हिस्ट्री, और फॉर 1 महीने से 1 मंथ, 1 मंथ, एम ओ एन टी एच, कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो इसमें आई लिखेंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, हैव नॉट बीन, राइट मीन्स लिखना होता है, यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, लेटर, एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स, फॉर 2 आवर्स, एच ओ यू आर एस, कंप्लीट हो। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो इसमें यू हो जाएगा, यू मीन्स होता है तुम, यू हैव नॉट बीन, गो मीन्स जाना होता है तो गोइंग हो जाएगा, टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह है तो फॉर 1 वीक, डब्ल्यू डबल ई के। अब देखते हैं नेक्स्ट छठा सेंटेंस, यहाँ पर लिखा है तुम्हें 1 माह से बुखार नहीं आ रहा है। तो इसमें तुम्हें की हो जाएगा यू, यू है सब्जेक्ट, यू हैव लगाएंगे क्योंकि इसमें हैव लगेगा, हैव नॉट बीन, अब सफरिंग लिखेंगे या फिर कमिंग लिख सकते हैं, यस यू डबल एफ ई आर आई एन जी, सफरिंग,
फ्रॉम फेवर या फार ओ एम फ्रॉम फेवर एफ ई बी ई आर फेवर फॉर वन मंथ एम ओ एन टी एच। तो इस तरह से छह सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट सातवां सेंटेंस। सातवां सेंटेंस लिखा है यह सुनार 10 दिन से अंगूठे नहीं बना रहा है। तो इससे सब्जेक्ट है यह सुनार, तो इसकी हो जाएगी दिस गोल्ड स्मिथ। दिस गोल्ड स्मिथ एम आई टी एच, ये गोल्ड स्मिथ हो गया। हैज बीन लगेगा, हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन लिखने के बाद मेकिंग, मेक मींस बनाना होता, तो मेकिंग हो जाएगा द रिंग आर आई एन जी रिंग। रिंग मींस होता है अंगूठी। फॉर 10 days, 10 days। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आठवा। तुम 1 घंटे से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो। तो इसमें यू हो जाएगा, यू है सब्जेक्ट। यू हैव, यू के साथ हैव लगता है। हैव नॉट बीन, क्लीन मीन्स साफ करना होता, क्लीनिंग हो जाएगा सी एल ई ए एन आई एन जी क्लीनिंग। योर रूम आर डबल ओ एम रूम फॉर 1 hour या जो यू आर। अब देखते हैं नेक्स्ट नवा सेंटेंस। लिखा है यह मालिक 1 सप्ताह से बाग में काम नहीं कर रहा है। तो यह मालिक की दिस गार्डनर, दिस गार्डनर जी ए आर डी ई एन ई आर गार्डनर हैज नॉट बीन वर्किंग डब्ल्यू ओ आर के आई एन जी वर्किंग इन द गार्डन, इन द गार्डन जी ए आर डी ई एन गार्डन 1 सप्ताह से है। तो फॉर 1 week डब्ल्यू डबल ई के वीक मीन सप्ताह होता है। नवा सेंटेंस लिखा हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। सब्जेक्ट है हरी, तो हरी यहाँ पे लिखेंगे शुरुआत में हरी। हैज नॉट बीन, प्लो मीन्स जोतना होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्लोइंग द फील्ड एफ आई ई एल डी फील्ड। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, ये निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी। अब 11वां सेंटेंस लिखा है आज सूर्य सुबह से नहीं चमक रहा है। तो यहाँ पे टुडे शुरुआत में लिख देते हैं आज की, ये तो लास्ट में भी लिखा जा सकता है। टुडे द सन, एस यू एन सन हो गया। हैज नॉट बीन लगेगा, हैज नॉट बीन साइन मीन्स चमकना होता है, एस एच आई एन आई एन जी, तो साइनिंग हो जाएगा साइनिंग। सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, एस आई एन सी सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस। मेरा भाई, मेरे भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो मेरे भाई की हो जाएगी माई ब्रदर, तो यहाँ पर सबसे पहले माई ब्रदर लिखते हैं बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर्स, यहाँ पे भाई ज़्यादा है। हैव बीन लगा दीजिए, हैव नॉट बीन, प्ले मीन्स खेलना होता है, हो जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट। 3 दिन से है तो फॉर 3 days, फॉर 3 days। तो इस तरह से पूरे टोटल 12 सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये निगेटिव वाली एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने क्लास के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।